19 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं की राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डहर में आरंभ की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राकेश चंबाल ने किया। 5 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 600 छात्र छात्राएं सुगम संगीत, समूह गान, एकांकी, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राकेश चंबाल ने कहा कि संगीत कला प्राचीन काल से समाज का अभिन्न अंग रही है। संगीत सुनने से जहां खुशी प्राप्त होती है, वहीं मानसिक तनाव भी दूर होता है। संगीत सुनने से हमारा मन सुखद अनुभव करता है। संगीत तथा नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षाप्रद जानकारी प्रदान करने में भी सुगमता रहती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति को जानने का भी अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया। विकास की चर्चा करते हुए राकेश जम्बाल ने कहा कि डहर क्षेत्र की 33 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए डहर में डिग्री कॉलेज खोला गया है, जिसके भवन निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। उन्होंने डहर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में छोटे छोटे मुरम्मत कार्यों के लिए 2 लाख रुपए, स्कूल परिसर में 2 सोलर लाइटें लगवाने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यूनिफॉर्म बनाने हेतु ऐच्छिक निधि से 20,000 रुपए देने की घोषणा की। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आने वाले 5 दिनों में इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस इलाका डहर में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर हो रहा है। मैं यहां पर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी अध्यापक वर्ग और सभी विद्यार्थियों को यहां पर उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। और अगर यहां पर किसी प्रकार से कोई हमसे कोई कमी रह जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारे लिए आप सब लोग अतिथि हैं। और जैसा मुझे यहां पर जानकारी दी गई कि हमारे यहां पर स्थानीय जनता, व्यापार मंडल, यहां पर शीतला माता मंदिर कमेटी, दिव्य ज्योति अनाथालय के लोग, सब लोग मिलकर और यहां के चुने हुए प्रतिनिधि और साथ में जैसा डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारे सुंदरनगर के एसडीएम आदरणीय राहुल चौहान जी, जब भी ऐसा कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट किसी प्रकार का भी होता है, रात दिन एक एक बात की चिंता करते हैं। इसलिए कहीं पर कोई कमी होगी तो कृपया करके मेरा प्रिंसिपल रमेश जी से निवेदन है कि वो मुझे बताएं, मैं उस कमी को पूरा करने का प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा मानना है।